सो गुड मॉर्निंग गाइज, मैं रजत नागपाल आपके सामने फिर आया हूँ करंट अफेयर्स की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास लेके। तो आज है 2 अप्रैल और आज के सारे करंट अफेयर्स हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे और उसके रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स होंगे वो मैं आप सबको बताऊंगा। तो गाइज, शुरू करने से पहले मैं आपको बोलूंगा कि प्लीज़ अगर आपको ये वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा सो दैट हमें मोटिवेशन मिलती रहे। तो चलो शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स की क्लास। तो पहला करंट अफेयर आपके सामने लिखा है कि आज कि 1 अप्रैल को कौन सा दिन मनाया जाता है। 1 अप्रैल को ओडिशा डे मनाया जाता है। कौन सा दिन? ओडिशा डे। और इस दिन को उत्कल दिवस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उत्कल दिवस। ये मैंने आपके सामने लिख दिया है। तो पेपर में क्वेश्चन कभी उत्कल दिवस भी पूछ लेते हैं कब मनाया जाता है, और कभी कभी सीधा ही पूछ लेते हैं ओडिशा डे कब मनाया जाता है। आपको पता ही है डेज वाले क्वेश्चन आते हैं, मैं हर वीडियो में एक से एक या दो क्वेश्चन रख ही रहा हूँ डेज के रिलेटेड। तो पहला है कि 1 अप्रैल को कौन सा दिन मनाया जाता है, ओडिशा डे या उत्कल दिवस। तो गाइस अभी ओडिशा डे मनाया क्यों जाता है, तो इसके पीछे ये है कि 1 अप्रैल 1936 में ओडिशा का गठन हुआ था। कब हुआ था? 1936 में। इससे पहले ओडिशा बंगाल के अंदर आता था, ठीक है। तो 1 अप्रैल 1936 में ओडिशा बना, इसीलिए इसको हर साल 1 अप्रैल को ओडिशा डे मनाया जाता है, जिसे उत्कल दिवस भी कहते हैं। तो गाइस अब ये ओडिशा है तो ओडिशा के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। ओडिशा की कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल है भुवनेश्वर। क्या है? भुवनेश्वर। और ओडिशा के सीएम का नाम? सीएम का नाम है नवीन पटनायक। क्या नाम है? नवीन पटनायक। अब गवर्नर का नाम आप लोग मुझे कमेंट में बताओगे, मैं इसको नहीं बता रहा, ये आपका होमवर्क ही समझ लीजिए, ठीक है गाइस। तो ओडिशा के बारे में इससे अलग जानकारी मैं आपको बता देता हूँ। 2 दिन पहले मैंने आपको करंट अफेयर में बताया था कि मो जीवन प्रोग्राम भी ओडिशा में ही स्टार्ट किया गया था। और ओडिशा में एक और करंट अफेयर बनता है विलर द्वीप, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ओडिशा में था विलर द्वीप, जिसका नाम अब चेंज करके रख दिया गया है एपीजे अब्दुल कलाम। क्या रख दिया गया है? एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड। द्वीप को हम इंग्लिश में आइलैंड कहते हैं, ठीक है। तो विलर आइलैंड पहले ओडिशा में जो था उसका अब नाम चेंज करके एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड कर दिया गया है। एक और क्वेश्चन इससे बनता है कि चिल्का लेक कहाँ है? तो चिल्का लेक भी गाइस ओडिशा में ही है। और नेशनल पार्क से भी कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है, वो भी लिख लीजिए आप, सिमलीपाल नेशनल पार्क इज इन ओडिशा। सिमलीपाल नेशनल पार्क इज इन ओडिशा। तो ठीक है गाइस, इस क्वेश्चन से इतने ही क्वेश्चन बनते हैं इस पहले करंट अफेयर से। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स पे, जो है कोरोना वॉच ऐप डेवलप्ड बाय विच स्टेट। क्या है? कोरोना वॉच ऐप डेवलप्ड बाय विच स्टेट। तो इसका सही आंसर है कर्नाटका। क्या? कर्नाटका स्टेट ने कोरोना वॉच ऐप का डेवलप की है, जिसकी हेल्प से वो जितने भी कोरोना के पेशेंट हैं या जिनको भी उसके सिम्टम्स आ रहे हैं वो उस ऐप के थ्रू अपने सिम्टम की जांच कर सकते हैं कि क्या उन्हें लक्षण जो हैं वो कोरोना के हैं भी या नहीं। तो बहुत हेल्पफुल ऐप है ये उनके लिए। तो ये इसका आविष्कार कर्नाटका गवर्नमेंट ने किया है। तो कर्नाटका के बारे में हम जान लेते हैं। कर्नाटका की कैपिटल है बेंगलोर और उसके सीएम का नाम है BS येदियुरप्पा। क्या नाम है? BS येदियुरप्पा। और इसके गवर्नर का नाम है बाजूबाई वाला। क्या नाम है? बाजूबाई वाला। तो कर्नाटका के सीएम का नाम भी बता दिया मैंने, गवर्नर का नाम भी। ये आप लिखते रहिएगा, मैं अगली क्लास में आपसे पूछता भी रहूंगा सो दैट आपको रिवाइज होता रहे। और अगर अगली क्लास में कर्नाटका के रिलेटेड कुछ भी न्यूज हुई तो मैं आपको ये फिर से रिवाइज करवा दूंगा सो दैट आप भूलें मत। ओके गाइज, तो चलते हैं हम आज के अगले करंट अफेयर पे, जो है कि स्ट्रैंडेड इन इंडिया पोर्टल लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री। जी हाँ, स्ट्रैंडेड इन इंडिया पोर्टल लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री। अब ये स्ट्रैंडेड इन इंडिया क्या है? आंसर से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जितने भी फॉरेनर्स कोरोना वायरस के चलते इंडिया में फंसे हुए हैं, इंडिया के किसी भी कोने में, तो वो इस पोर्टल में आके अपना कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं या कुछ भी जानकारी शेयर करना चाहते हैं कर सकते हैं। एक तरह से उनके लिए, उनके हेल्प के लिए, अगर वो कहीं स्टक हैं तो गवर्नमेंट उनके पास पहुंचेगी और उनकी हेल्प करेगी, ठीक है। तो कोरोना के चलते जो भी फॉरेनर्स भारत में फंसे हैं उनके लिए ये पोर्टल लॉन्च किया गया है, स्ट्रैंडेड इन इंडिया। किस मिनिस्ट्री के द्वारा किया गया है? तो इसका आंसर है टूरिज्म मिनिस्ट्री। किसके द्वारा? टूरिज्म मिनिस्ट्री। अब इससे एक क्वेश्चन सीधा आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हु इज द टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो इसको भी याद रखिएगा। इसका आंसर है प्रहलाद जोशी। क्या नाम है? प्रहलाद जोशी, ठीक है गाइस। प्रहलाद सिंह पटेल। क्या नाम है? प्रहलाद सिंह पटेल। हु इज द टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ इंडिया? प्रहलाद सिंह पटेल, ठीक है गाइस, याद रखिएगा। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स पे। नेक्स्ट
करंट अफेयर्स एक बुक रिलेटेड है, मैं डेली आपको एक बुक करवा रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन बनते हैं, चाहे वो स्टेट एग्जाम है चाहे बैंकिंग एग्जाम है, कौन सी बुक किसके द्वारा लिखी गई और क्यों, इससे क्वेश्चन बनता है। तो ये है द डेथ ऑफ जीसस बुक, कौन सी बुक है, द डेथ ऑफ जीसस बुक इज रिटन बाय विच राइटर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आजकल न्यूज में, इसलिए मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ। द डेथ ऑफ जीसस बुक इज रिटन बाय जे एम कोएट जी, मैंने आपके सामने लिख दिया, क्या नाम है उनका, जे एम कोएट जी। अब ये बुक फेमस किस लिए, क्योंकि इसी राइटर को नोबल प्राइज मिला था 2003 में फॉर लिटरेचर, तो ये नोबल प्राइज विनर है इसलिए इनकी बुक ये इंपॉर्टेंट है। इनका नाम है जे एम कोएट जी और 2003 में इन्हें नोबल प्राइज मिला था और इनकी बुक, इन्होंने बुक लिखी है द डेथ ऑफ जीसस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। ठीक है गाइज, तो बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर पे, विच इज लो कॉस्ट पोर्टेबल वेंटिलेटर डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन, लो कॉस्ट पोर्टेबल वेंटिलेटर डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। आंसर आपके सामने लिखा हुआ है आईआईटी कानपुर, क्या लिखा हुआ है, आईआईटी कानपुर। देखो दोस्तों, आपको पता ही है भारत की पॉपुलेशन है 130 करोड़ लगभग, और हमारे भारत में और अप्रोक्सीमेटली सिर्फ 30,000 से 35,000 वेंटिलेटर है। ठीक है गाइस, अब वेंटिलेटर वो होता है जहाँ पे सीरियस पेशेंट को रखा जाता है जिनको सांस लेने में तकलीफ होती है, उनके लिए वेंटिलेटर की बहुत आवश्यकता होती है। और अब आपको पता ही है जो कोरोना की डिसीज चल रही है वो लंग्स पे बड़ा अटैक करती है, तो इसलिए आईआईटी कानपुर ने लो कॉस्ट पोर्टेबल वेंटिलेटर डेवलप किए हैं, सो दैट हमें बाहर से ना मंगवाने पड़े, भारत का खर्चा बचे। और वेंटिलेटर इस डिसीज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्रिटिकल सिचुएशन है, क्योंकि सोचिए 135 करोड़ में से अगर 1% को भी कोरोना हुआ तो हमारे पास उतना फैसिलिटी नहीं है कि हम कर पाए, इसलिए बहुत ही अच्छी खोज है आईआईटी कानपुर के द्वारा, लो कॉस्ट पोर्टेबल वेंटिलेटर। ठीक है गाइस, ये भी क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखिएगा। तो बढ़ते हैं अब अपने सिक्स्थ करंट अफेयर्स पे हम, तो नेक्स्ट करंट अफेयर है आज का, विच स्टेट स्टार्टेड रेडियो स्कूल, क्या है, विच स्टेट स्टार्टेड रेडियो स्कूल, बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, इसके बारे में आपको बताता हूँ, फिर उससे पहले मैं बताता हूँ कि किसने ये स्टार्ट किया। तो इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश, क्या है गाइस, मध्य प्रदेश, एमपी, एमपी स्टार्टेड रेडियो स्कूल। इसमें बेसिकली क्या होगा, अब कोविड-19 के चलते पूरे देश में लॉकडाउन है, किसी किसी राज्य में तो कर्फ्यू लगा हुआ है, तो बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, तो इस इन्होंने क्या किया है कि 11 बजे से 12 बजे तक रेडियो में भी स्कूलिंग दी जाएगी, बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लाए जाएंगे जो उनके क्लासेज में पढ़ाए जाते हैं और उनको रेडियो के थ्रू पढ़ाया जाएगा, तो बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। तो ये कहाँ पे हुआ है, मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश में हुआ है, तो मध्य प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल, क्या है, भोपाल। और मध्य प्रदेश के सीएम का नाम क्या है, अभी अभी ही बने हैं, उनका नाम है शिवराज सिंह चौहान। इससे पहले कौन थे, इससे पहले थे कमलनाथ जी, वो अपना 5 साल का टेन्योर पूरा नहीं कर पाए और 1.5 साल में ही उनकी सरकार गिर गई, बिकॉज उनके कुछ एमएलएज ने इस्तीफा दे दिया। तो अभी अभी बने हैं शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के नए सीएम, और सीएम है शिवराज सिंह चौहान, तो इनके गवर्नर का नाम है लालजी दास टंडन, क्या नाम है, लालजी दास टंडन। ठीक है गाइस, तो ये है कुछ मध्य प्रदेश के बारे में, और अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स पे, विच इज मोदी किचन स्टार्टेड बाय विच स्टेट, क्या है, मोदी किचन स्टार्टेड बाय विच स्टेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पेपर के लिए बन सकता है, क्योंकि इसमें हमारे पीएम का नाम अटैच है, मोदी किचन। तो ये इसका आंसर है गाइस तमिलनाडु, ये हुई है तमिलनाडु में स्टार्ट, कहाँ हुई है, तमिलनाडु में, तमिलनाडु के एक जिले में मोदी किचन का आरंभ किया गया। इसमें बेसिकली क्या करते हैं, ये अभी लॉकडाउन चल रहा है कोरोना के चलते, तो इसलिए यहाँ पे हर दिन 3 टाइम 500 बंदों का खाना बनता है और उन्हें घर घर तक जो जरूरतमंद है वहाँ पहुँचाया जाता है, और ये 10 से 15 किलोमीटर का एरिया सर्व करती है मोदी किचन। ठीक है गाइस, और ये तमिलनाडु में हुई है, तो तमिलनाडु के बारे में भी हम जान लेते हैं। तमिलनाडु की कैपिटल क्या है, चेन्नई, और तमिलनाडु के सीएम का नाम है ईडी के पलानी स्वामी, क्या है, ईडी के पलानी स्वामी, और इनके गवर्नर का नाम है बनवारी लाल पुरोहित। ये लिखते रहिए, ये बेसिक नॉलेज आपको पता ही होनी चाहिए, बनवारी लाल पुरोहित इनके गवर्नर का नाम है। तो तमिलनाडु से एक और क्वेश्चन बन जाता है, अक्सर पूछ ही लेते हैं टेम्पल्स पे रिलेटेड, कि मीनाक्षी टेम्पल कहाँ पे है, मीनाक्षी टेम्पल भारत के स्वच्छ टेम्पल्स में एक गिना जाता है, तो मीनाक्षी टेम्पल है मदुरई में, कहाँ है, मदुरई तमिलनाडु में। ठीक है गाइस, और मेरे को ये आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि तमिलनाडु में भारत के कौन से मेजर पोर्ट पाए जाते हैं, पोर्ट यानी कि बंदरगाह। ठीक है गाइस, ये मैं आपके कमेंट में वेट करूंगा इसके आंसर का। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट करंट अफेयर पे, विच इज एक्टिव केस फाइंडिंग कैंपेन बाय विच स्टेट, एक्टिव केस फाइंडिंग कैंपेन स्टार्टेड बाय विच स्टेट।
तो ये एक्टिव केस फाइंडिंग नाम से ही थोड़ा पता लग रहा है कि जितने भी कोरोना के मरीज या सस्पेक्ट हम कह सकते हैं सस्पेक्ट हैं अभी, और हमें उनका पता नहीं है, या वो कुछ डर के मारे, या उनको भी अभी लग रहा है कि हमें नहीं है, घर पे छुपे हुए हैं, तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने ये स्टार्ट की है। तो ये हिमाचल प्रदेश सरकार ने स्टार्ट की है, डोर टू डोर वो विजिट करेंगे, और जिनमें लक्षण पाए जा रहे हैं कोरोना के चलते, उनको अवेयर किया जाएगा और आइडेंटिफाई किया जाएगा। तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने ये वाला कैंपेन स्टार्ट किया है। तो जान लेते हैं हम हिमाचल प्रदेश के बारे में। हिमाचल प्रदेश की दो कैपिटल हैं, विंटर कैपिटल है इसकी धर्मशाला, जी हाँ विंटर कैपिटल है इसकी धर्मशाला, और समर कैपिटल है शिमला। बहुत से बच्चों को यही लगता होगा कि हिमाचल प्रदेश की एक ही कैपिटल है, लेकिन नहीं, शिमला उसकी समर कैपिटल है, सॉरी, और विंटर कैपिटल है धर्मशाला। और हिमाचल प्रदेश है तो उनके सीएम का नाम है जयराम ठाकुर, क्या है, जयराम ठाकुर, और गवर्नर का नाम है बंदारू दत्तात्रेय, क्या नाम है, बंदारू दत्तात्रेय। ठीक है गाइस, हिमाचल प्रदेश में कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क भी पाए जाते हैं, जिनका नाम है पिन वैली नेशनल पार्क, खीर गंगा नेशनल पार्क, ये याद रखिएगा गाइस। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने लास्ट और अगले करंट अफेयर पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले भी डिस्कस किया है लेकिन इतना इंपॉर्टेंट है कि मैंने सोचा फिर कर दूँ, क्योंकि SBI IBPS के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। RBI के डिप्टी गवर्नर BP कानोगो, जिन्होंने 3 अप्रैल को रिटायर होना था, उनका टेन्योर एक्सटेंड कर दिया गया है 1 साल के लिए। कब तक के लिए, 1 साल के लिए। ठीक है गाइज, तो ये थे आज के बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। देखिए गाइज, करंट अफेयर्स एक ऐसी चीज़ है जिन बहुत से स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है, लेकिन इसका एक ही उपाय है, आप डेली रिवाइज करो, वीडियो को देखिए। मैं आपको ये एश्योर करता हूँ कि इसमें से पेपर में से क्वेश्चन बनेगा। बहुत सारे अलग अलग जगह से पढ़ने से अच्छा आप एक ही जगह से पढ़िए जो आपको सेट लगता है। और मैं आपको कुछ बहुत बड़ी वीडियोज़ नहीं दे रहा हूँ, 10 से 12 मिनट की दे रहा हूँ, डेली 10 मिनट तो निकाल ही सकते हैं आप, निकालिए, इसको पढ़िए, पेपर में से क्वेश्चन पक्का बनेगा। ठीक है गाइज, तो हम कनेक्टेड रहेंगे, आपको कुछ भी फीडबैक देना हो तो कमेंट बॉक्स में करिएगा। थैंक यू।